अस्सलामुअलैकुम। बस सभी इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और देखिए कौन है हमारे साथ, हमारी बहन सवाना बाजी, और मेरी गोद में कौन है, अक्सरा। हाय, ये मेरा कचुम्बर बनाने वाली है आज पूरी रास्ते। और यहाँ पे खाला बैठी है सवाना बाजी की सास, और आगे भैया बैठे हैं, और दूल्हा भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और सामान ले रहे हैं। हम सभी जा रहे हैं, पहले दुलाई और बाजी और सब जने घर पे आए थे और सुबह निकल गए, और इनको रास्ते में याद आया कि आज जुमेरात है और दरगाह पे चलते हैं, तो इसलिए फिर ये दोबारा लौट के आए, नहाए, और अब जा रहे हैं हम सब दरगाह पर। कौन है? तो अभी हम सब जने जा रहे हैं धौलपुर की दरगाह। और इत्तेफाक से आज हमारी खाला की लड़की कशिश की सगाई है, और कल परसों नरसों तीन चार दिन से वो फ़ोन लगा रहे हैं कि आ जाना, पापा से भी बात हो गई, सब कुछ हो गई, तो इसलिए हम पापा नहीं जा रहे हैं, जीसान आएगा शाम को, और हमारा भी जाना हो रहा है इसलिए, क्योंकि दूल्हा आ ही जा रहे हैं इसलिए। तो फिर हम मैं और अक्सरा खाला के घर पर चले जाएँगे, और समाना भी खाला से मिल लेगी, फिर हम वहीं पर रुक जाएंगे, और हमारी नानी भी यहाँ से हमारी मुआनी वगैरह आएंगी, तो फिर उनके साथ में हम वापस लौट के आ जाएंगे कल। तो आज की सगाई है, तो आज हम आप सभी के साथ में शेयर करते हैं आज कल हम क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं, और दरगाह पे जा रहे हैं, वहाँ का हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। दुलाई बताएंगे क्या हुआ था, दुलाई बताओ क्या हुआ था पहाड़ वाली दरगाह पे, गली बताओ क्या हुआ था समाना। अभी हम लोग इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत जोर से आदमी खो गया, बच्चा खो जाओ, चलो ठीक है, एक बार आदमी खोते हैं कहीं पे, दुलाई खो गए थे। और समाना आज रो रही कि हमारे हमारे शोर खो गया, मेरा शोर और मेरा आदमी खो गया। और अपने शोर का नंबर तो रख ले, नंबर अपने की ला, हमें नंबर दो, हम फोन लगा देते हैं अल्लाह के बंदे, नंबर फोन वोन तो लगा जा रहे हैं। रो गया तो वही हो, कैसे गई मुल्ला जी ने, अल्लाह के बंदे कहाँ गया था तू, दादा कहीं नहीं गया, चला था वो तो थोड़ा धूप लग रही थी, मैं इधर हो गया। इतनी देर में बाजी का रो रो के बेहाल हो गए कि मेरे आदमी कहाँ चले भैया, रे नहीं आए भैया, दुलाई वैसे पहुँच तो जाते हैं मोरे ने, ऐसे रो रही है जाने क्या हो गया होए, छोटा सा बच्चा पहुंचे ना ना समझ, छोटा सा बच्चा खो गया होए। तो ऐसा हुआ था जैसे हम गए धौलपुर दरगाह पर, और वहाँ पे ना हम चले गए अंदर, दुलाई बाहर खड़े रहे थे, और लौट के आए थे दुलाई हमें मिले नहीं, और समाना वाली सोने लगी कि दुलाई कहाँ चला गया, तो फिर मिल गए जी बैठे हैं, ये मिल गए हमें कहीं गए नहीं। तो ड्राइवर सीट अभी ट्रांसफ़र हो चुकी है, भैया यहाँ पे आ गए हैं और दुलाई इधर आ गए, अब यहाँ से कितना और दूर है दो डालो इधर आओ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में उतर गए हैं गाड़ी से, और ये देखिए धौलपुर के रास्ते में चम्मल पड़ती है उसको देखने के लिए, और यहाँ पे नीचे रोटियाँ पड़ी थी, मैंने कहा कि यहाँ डली, इससे अच्छा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, तो जो इसके अंदर मछली होंगी वो खा लेंगी। और हमने यहाँ पर थोड़ी सेल्फी ली, वीडियो शूट किया आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी चंबल है,
तो अभी हम यहाँ, मैं ना गाड़ी से ना बिना चप्पल पहने ही उतर गई थी मैंने, कि बस थोड़ी देर के लिए फिर पहनूँ फिर उतार, तो इसलिए बस मैं ऐसे उतर गई थी। मेले वाली आप जो रहते हैं जी, बुल्लू ने बनाई थी ना छोटी सी, सर घर पर रखती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम धौलपुर पहाड़ वाली दरगाह पर पहुंच चुके हैं, बस ये उसी दरगाह पर पहुंचने का रास्ता है। तो ये है धौलपुर की पहाड़ वाली दरगाह। अरे मेरे पे बैठ लेंगे ना, इधर उधर की साइड बात। अरे यहाँ पे खड़े ऐसे बच्चों को लेकर, जिन्हें अंदर तुम चले जाओ अंदर, मैं यहाँ से आना है इधर रहते, चलिए दूल्हा एक ही संग में रहिए हैं। दरागर होती लग रहा है, वहाँ पर नीचे बैठेंगे छुट्टी पर, वहाँ ठंडक होगी। इधर का मुलाकात हो रही है, आए ना पर तो इतना ठंडक है। देखो जी कौन है, देखो जी कौन है। तो मिली है हमारी उम्रा से, जो काफ़ी क्यूट है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है और मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, है उम्रा, है ना। तो अभी हम जाएंगे खाला के घर पे अपनी, और सवाना बाजी हैं वो चली जाएंगी अपने घर पे गुना, और उम्रा भी चली जाएगी। उम्रा घर पे जाओगी, उम्रा कहाँ पर जाएगी, गुना जाएगी अपने घर पे। हमारे पास रुक जाती हैं आप क्यों उम्रा, हमारे पास रुक जाती हैं आप, नहीं जाओ प्लीज़। अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी फिर रुका करेगी मेरे पास हैं, फिर अपन केले करेंगे, है ना। हाँ देखो भूमि मंडी लाके हाँ कर रही, हाँ हाँ मैं बड़ी हो जाऊँ मैं आपके साथ खूब खेलूँगी, खूब मस्ती करूँगी, हैं। हाँ अभी सो रही थी गाड़ी में जी, सोती हुई आई हैं। तो वहाँ का जो भी हमारा रहेगा मैं कोशिश करूँगी आप सभी के साथ में शेयर करने की, बाजी के चैनल के जरिए, ठीक है। तो दाजी दुलाई नहीं आए क्योंकि उनके घर पे काम चल रहा है, बाजी दुलाई भी आते अच्छा लगता, यहाँ पे दरगाह पे भी आते, आलिया नाया भी बहुत खुश हो जाते हैं, और आलिया नाया भी सुबह स्कूल निकल चुकी थी 3 बजे, वो स्कूल से आती हैं। और फिर बाजी का भी जो गेट लगा है ना, गेट के ऊपर अभी फोर सीलिंग का काम होगा, वो नहीं लगा है और जाली भी नहीं लगी, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी नहीं है, और काम भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात यही कि काम चल रहा है। काम करने वाले मजदूर ठेकेदार सब आ चुके थे, इसलिए फिर वो नहीं आ पाए, अब फ्री हो जाएं घर से फिर वो हर जगह जाएंगी, अच्छा लगेगा सभी के साथ में जाकर। और आज मुझे उम्रा के साथ में आकर भी अच्छा लग रहा है, मेरी उम्रा मेरे शर्ट में, मेरी उम्रा, उम्रा उम्रा हाय करो सभी से, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो उम्रा, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहाड़ से नीचे आ गए हैं और ये देखिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए नया रास्ता बनाया, ये नया रूट बनाया जो रास्ता पुराना वाला है ना वो काफ़ी खड़ा है, सीधा सीधा है, खड़ा हुआ है, मगर ना उस पर गाड़ी चढ़ने में काफ़ी परेशानी आती है। अब ये रास्ता नया बनाया तो ये काफ़ी अच्छा बनाया है और इस पर चढ़ने में आसानी है, तो पैदल वाले भी इसी पर चढ़ के जाते हैं अब ज़्यादातर और वैसे भी। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे रोक लूँ, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से घर ही घर लग रहे हैं, घर ही घर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ घर ही घर, कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं हम और तो देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ कितनी अच्छी हवा लग रही है ठंडी ठंडी, तो आप ज़रा देखिए और इंजॉय कीजिए यहाँ का व्यू। अब हम यहाँ से जा रहे हैं खाला के घर पे, ठीक है। वाओ देखिए यहाँ पे दो दो मोर हैं, ये देखिए यहाँ पे मुझे रिंग अच्छी लग रही थी तो मैं यहाँ पे रिंग दिख रही थी और ये मैंने एक रिंग ली है जो मैंने ब्लू कलर की ना वो मैंने आर्यन के लिए ली है। बस कर दो, अभी हमने रिंग खरीद ली है और बस अभी हम जा रहे हैं। तो अभी हम फोन लग गया, फोन किसी को लग गया, अरे नहीं को लग गया, फोन नहीं लगा, फोन नहीं लगा, अभी नंबर सही है, नंबर नहीं लिया है। आप सभी बताइए कैसी लग रही है रिंग मेरे हाथ में, चाबी हमने नहीं पता तुमने उनको दी थी ना, तो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, गाड़ी हमारी ये पीछे खड़ी है, ये देखिए इन्होंने खिलौने भी खरीद लिए हैं और खोल भी लिए हैं, चलो 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 वापस करिए, पुड़िया खिला दे अब, पेट भर गया है, पुड़िया मिला लेंगे सब, चलो भाई तू तो उन्हें फोन लगा लो, कौन फोन लगा तो। देखिए फ्रेंड्स अभी हम अपनी सितारा खाला के घर पर पहुंच चुके हैं और देखिए सामने हम सवाना के साथ हमारी खाला बैठी हैं, हम इनको खाला बोलते हैं, तो ये खाला बैठी हैं और अभी अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो ये देखिए ये कशिश की जूतियाँ जो अलमारी के अंदर टंगी हुई हैं, ये कशिश तो देखिए मैं कह रही हूँ ये क्या टंगा है, ये जूतियाँ टंगी हैं कशिश की और ये इन्होंने दिए इनके हस्बैंड ने, कशिश के हस्बैंड ने दिए हैं दूल्हा भाई हमारे